एक बार रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अब आरपीएससी ने रिजल्ट को लेकर उम्मीदवारों को फिर से एक बड़ा जो है बयान दिया है, और रिजल्ट में क्यों देरी हुई है इस अपडेट को जानने के बाद उम्मीद काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ चुके हैं, और इसको लेकर आज शाम 8-9 बजे से एक बड़ा कैंपेन भी करने वाले हैं। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ईरो और आरओ की रिजल्ट को लेकर लगातार उम्मीदवार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है आरपीएससी द्वारा जल्द से जल्द इनकी जो है परिणामें जारी की जाए, पर लगातार देरी हो रही है। पर दोस्तों अब जो अपडेट निकल कर आ पा रही है अधिकारियों द्वारा, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट होने वाली है, क्योंकि जिस रिजल्ट का उम्मीदवारों को दिवाली से पहले का था, अब वो रिजल्ट क्या 2024 में जारी करेगा आरपीएससी, इसको लेकर बड़ा बयान आ रहा है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। आरपीएससी की हर बड़ी अपडेट आप सभी को हमारे चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि आरपीएससी ईरो और रिजल्ट को लेकर जो अब अपडेट आ रहा है वो क्या है। बताया जा रहा है कि अभी यहाँ रिजल्ट में अभी समय और लगेगा, अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी दी गई है, यानी कि दोस्तों अब जो है चुनाव जब तक ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पर जो है अधिकारियों को कर्मचारियों को जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उन सभी को चुनाव में ड्यूटी दी गई है, और इसको लेकर साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर मीटिंग हुई, क्योंकि कई शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए गए थे, तो इसको लेकर जो मीटिंग है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर होगी, और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये निर्णय लिया जाएगा, इसके बाद ही परिणामों को यहाँ पर जो है परिणामों को लेकर कोई भी यहाँ पर जो है प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी कि दोस्तों जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है वो अभी तक जो है वो यहाँ पर जो है अटकी पड़ी हुई है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के लेकर जो मीटिंग होने बाकी हैं उसको लेकर पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से स्थगित है, ठप है, और ठप होने की वजह यह है कि चुनाव को लेकर जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे उन सभी की ड्यूटी लग चुकी है, जिसको लेकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर अधिकारियों द्वारा मीटिंग नहीं हो पा रही है, और जिसके कारण यहाँ पर जो है आरओ और ईरओ की जो रिजल्ट है उसमें लगातार यहाँ पर डिले किया जा रहा है। तो आप सीधा से सोच सकते हैं कि आप सभी के दिसंबर में चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी प्रक्रिया है चुनाव की वो पूरी होगी, और उसके बाद अधिकारियों को जब टाइम मिलेगा तब जाकर इसकी जो परिणामें हैं वो यहाँ पर जारी की जाएंगी। तो इसमें सोच सकते हैं कि 2024 में आप सभी की जो परिणामें हैं वो यहाँ पर जारी करने की अधिकारियों द्वारा कोशिश की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 2023 में दिसंबर तक भी परिणामें जारी होने की कोई भी आशंका निकल कर नहीं आ पा रही है। दोस्तों कैंपिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट है, वो भी मैं आप सभी को जल्द ही साझा करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को। आरपीएससी की सबसे बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।